देखिए ये कोई नई बात नहीं है, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं, जो भी व्यक्ति उनके सामने प्रश्न पूछता है उनको या तो ये सस्पेंड कर देते हैं या उनको किसी भी तरीके से राजनीतिक रूप से खत्म करने के लिए गिरफ्तार करते हैं या कुछ भी करते हैं। इस देश में नरेंद्र मोदी जी एक ही व्यक्ति से सबसे ज्यादा डरते हैं और वो है अरविंद केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल की राजनीति। कोई भी व्यक्ति अगर भारतीय जनता पार्टी अगर ज्वाइन कर ले, जैसे कि अगर मान ले कि संजय सिंह जी, सतेंद्र जी, ये सारे अगर मोदी जी की बात मान लें और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लें तो आज इनको क्लीन चिट दे दें। जैसे कि आप देखेंगे कि अजीत पवार जी, छगन भुजबल जी, इनको इन्होंने क्लीन चिट दे दी। तो ये इस देश का दुर्भाग्य है कि जो भी व्यक्ति इनसे प्रश्न पूछता है उनको ये गिरफ्तार कर लेते हैं। आज देश के सामने एक बड़ी चुनौती है कि कैसे देश को बचाया जाए। रहा सवाल इस नोटिस का जो अरविंद केजरीवाल जी को आया है, आप सबको पता होगा, पब्लिक डोमेन में, पब्लिक नॉलेज में है कि केजरीवाल जी विपाशना के लिए जा रहे हैं। ये एक महीने पहले, लगभग एक डेढ़ महीने पहले ही तय कर दिया जाता है और ये पब्लिक नॉलेज में भी है। तो अगर आगे इस नोटिस को कैसे जवाब देना है, क्या करना है, वो जो वकील है वो तय करेंगे। आप ये कह रहे हैं कि मतलब पहले से कार्यक्रम तय था तो नहीं भी जा सकते नोटिस, ये अब ये देखते हैं, क्योंकि विपाशना के लिए महीनों पहले शेड्यूल तय होती है तो उनके जाने की तिथि ऑलरेडी तय है। अभी वकील देख रहे हैं कि कैसे इस पे क्या कर सकते हैं। पहले जो नोटिस आया था उस पे जो जवाब दिया गया था सीएम की तरफ से, तो नोटिस पे लीगलिटी पे सवाल उठाया था कि आप किसे नोटिस कर रहे हैं, मुख्यमंत्री को या पार्टी संयोजक को, तो आपको लगता है कि इस बार इस तरह के कुछ सवाल फिर से उपस्थित सकते हैं ऐसा कुछ? पिछली बार जो नोटिस आया था उस नोटिस को लीगैलिटी के आधार पर कुछ प्रश्न पूछे गए थे जिनका जवाब उनकी तरफ से आया नहीं। अभी जो लीगल नोटिस आया है उसका फिर जो वकील है वो उसको रिस्पॉन्ड करेंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी विपाशना में जाने के लिए पहले से ही शेड्यूल्ड हैं, तो अभी की परिस्थिति में वो कैसे होगा वो देखते हैं। कल इंडिया ब्लॉक की एक बड़ी मीटिंग भी है जिसमें अरविंद केजरीवाल शामिल होने वाले हैं, उससे पहले जो ये नोटिस मिला आप क्या उससे भी देख रहे हैं? देखिए ये तो इनका लार्जर प्लान है और षड्यंत्र है जो आज से नहीं बहुत पहले से चल रहा है। ये कहना कि उससे जुड़ा है उससे नहीं जुड़ा है वो इररिलेवेंट है, क्योंकि ये आने वाले समय में हर वो एक व्यक्ति को जो उनसे प्रश्न पूछता है या उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है उनको राजनीतिक रूप से ये या तो गिरफ्तार कर लेते हैं या फिर उनको सस्पेंड करा देते हैं। देखिए ये कोई नई बात नहीं है, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं, जो भी व्यक्ति उनके सामने प्रश्न पूछता है उनको या तो ये सस्पेंड कर देते हैं या उनको किसी भी तरीके से राजनीतिक रूप से खत्म करने के लिए गिरफ्तार करते हैं या कुछ भी करते हैं। इस देश में नरेंद्र मोदी जी एक ही व्यक्ति से सबसे ज्यादा डरते हैं और वो है अरविंद केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल की राजनीति। कोई भी व्यक्ति अगर भारतीय जनता पार्टी अगर ज्वाइन कर ले, जैसे कि अगर मान ले कि संजय सिंह जी, सतेंद्र जी, ये सारे अगर मोदी जी की बात मान लें और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लें तो आज इनको क्लीन चिट दे दें। जैसे कि आप देखेंगे कि अजीत पवार जी, छगन भुजबल जी, इनको इन्होंने क्लीन चिट दे दी। तो ये इस देश का दुर्भाग्य है कि जो भी व्यक्ति इनसे प्रश्न पूछता है उनको ये गिरफ्तार कर लेते हैं। आज देश के सामने एक बड़ी चुनौती है कि कैसे देश को बचाया जाए। रहा सवाल इस नोटिस का जो अरविंद केजरीवाल जी को आया है, आप सबको पता होगा, पब्लिक डोमेन में, पब्लिक नॉलेज में है कि केजरीवाल जी विपाशना के लिए जा रहे हैं। ये एक महीने पहले, लगभग एक डेढ़ महीने पहले ही तय कर दिया जाता है और ये पब्लिक नॉलेज में भी है। तो अगर आगे इस नोटिस को कैसे जवाब देना है, क्या करना है, वो जो वकील है वो तय करेंगे। आप ये कह रहे हैं कि मतलब पहले से कार्यक्रम तय था तो नहीं भी जा सकते नोटिस, ये अब ये देखते हैं, क्योंकि विपाशना के लिए महीनों पहले शेड्यूल तय होती है तो उनके जाने की तिथि ऑलरेडी तय है। अभी वकील देख रहे हैं कि कैसे इस पे क्या कर सकते हैं। पहले जो नोटिस आया था उस पे जो जवाब दिया गया था सीएम की तरफ से, तो नोटिस पे लीगलिटी पे सवाल उठाया था कि आप किसे नोटिस कर रहे हैं, मुख्यमंत्री को या पार्टी संयोजक को, तो आपको लगता है कि इस बार इस तरह के कुछ सवाल फिर से उपस्थित सकते हैं ऐसा कुछ? पिछली बार जो नोटिस आया था उस नोटिस को लीगैलिटी के आधार पर कुछ प्रश्न पूछे गए थे जिनका जवाब उनकी तरफ से आया नहीं। अभी जो लीगल नोटिस आया है उसका फिर जो वकील है वो उसको रिस्पॉन्ड करेंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी विपाशना में जाने के लिए पहले से ही शेड्यूल्ड हैं, तो अभी की परिस्थिति में वो कैसे होगा वो देखते हैं। कल इंडिया ब्लॉक की एक बड़ी मीटिंग भी है जिसमें अरविंद केजरीवाल शामिल होने वाले हैं, उससे पहले जो ये नोटिस मिला आप क्या उससे भी देख रहे हैं? देखिए ये तो इनका लार्जर प्लान है और षड्यंत्र है जो आज से नहीं बहुत पहले से चल रहा है।
ये कहना कि उससे जुड़ा है उससे नहीं जुड़ा है वो इररिलेवेंट है, क्योंकि ये आने वाले समय में हर वो एक व्यक्ति को जो उनसे प्रश्न पूछता है या उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है, उनको राजनीतिक रूप से ये या तो गिरफ्तार कर लेते हैं या फिर उनको सस्पेंड करा देते हैं।